कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता स्थित लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक से हुई लूट के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि कैंट पुलिस ने चार अभियुक्तों को वी पार्क के पास गोल्फ कोर्स रोड से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमन अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल अग्रहरी निवासी गुंडाकुल चौराहा थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, दीपू मोदनवाल पुत्र गोपाल निवासी गुंडाकुल चौराहा थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, अनूप गौड़ पुत्र नंदलाल गौड़ निवासी जगमोहन थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर तथा सागर गौड़ पुत्र जगदीश गौड़ निवासी वार्ड नंबर 5 सोरिहिया कस्बा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट के 1,94,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल एक असलहा व कारतूस बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि 12 जून को लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित बेदिहाता के डायरेक्टर विजय गोयल से अज्ञात बदमाशों द्वारा शाम को पैथोलॉजी से घर जाते समय असलहा सटाकर 4.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से अनूप गौड़ पैथोलॉजी में ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम करता था, जो घर घर जाकर ब्लड का सैंपल लेता था तथा कोरोना काल में लाइफ पैथोलॉजी बेतिहाता में काम करता था। इस पर अधिक पैसा लेने की शिकायत मिलने के कारण पैथोलॉजी के मालिक द्वारा पैथोलॉजी से हटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि लाइफ पैथोलॉजी में काम करने के दौरान अनूप गौड़ को पैथोलॉजी के लगभग 20 से 25 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी होने की बात की जानकारी हुई थी, जिस पर उसने अपने सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रवीण कुमार राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, जटेपुर चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे, कांस्टेबल अवधेश पांडे, कुंदन सिंह यादव, अजीत वर्मा, स्वाट टीम के उप निरीक्षक सादिक परवेज, चंद्रभान सिंह, अरुण सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन शशिकांत शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, आने के साथ साथ जो एसओजी सर्वलांस टीम लगे थे उनके भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खूब प्रशंसा किया है। देखिए अभी विगत 12/6/2021 को एक लाइफ डायग्नोस्टिक्स सेंटर से जो वहाँ का संचालक द्वारा 4.5 लाख रुपए पैसे लेके घर जाते वक्त 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा असला सटा के पैसे से भरे हुए तेले छीनने की शिकायत मिली थी, उसमें तत्काल एसएचओ कैंट के द्वारा एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया गया था, जिसमें तीन जो है स्पेशल टीम्स गठित किए गए थे, जिसमें एसएचओ कैंट के साथ साथ स्वाट टीम एवं सर्वलांस टीम भी इंस्पेक्टर सुशील शुक्ला के नेतृत्व में लगे हुए थे। इनकी क्लोज मॉनिटरिंग एएसपी राहुल
और SPCT सोनम के द्वारा किया जा रहा था, इसको खुलासा आज हुआ है, जिसमें सम्मिलित 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम हैं अमन अग्रहरी, दीपू अनूप एवं सागर गौड़। ये तीनों चारों जो है सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। इसमें से जो अनूप है लाइफ डायग्नोस्टिक्स में ब्लड सैंपल लेने का काम करता था और हॉस्पिटल में जो डायग्नोस्टिक्स की कर्मचारी भी था, तो इन्हीं के द्वारा ये पूरा साजिश रचाया गया है, अपने दोस्त के माध्यम से रिकी करवाया और फिर अपने दोस्त की मददों से लुटवाया। ये जो कोरोना काल में ब्लड सैंपल लेते वक्त हर मरीज से 500, 1000, 2000, 4000 डायग्नोस्टिक्स द्वारा निर्धारित पैसे से अतिरिक्त पैसे मांगता था, जिसके चलते डायग्नोस्टिक्स के मालिक डॉक्टर ने उनको डांटा है। इसका खुन्नस मानते हुए इसने ये पूरा साजिश रचाया। अभी अब गिरफ्तारी हो चुके हैं, इसलिए इनके साथ मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, लूट में प्रयुक्त असला बरामद हुआ है, इनसे लगभग 2 लाख यानी 1,94,000 कैश भी बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त और वांटेड है, अशोक और कन्हैया, ये भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे और उम्मीद है कि बाकी बचे हुए जो भी है उनसे बरामद करने का जो स्कोप है। अभी तक कोई ऐसे आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, उसका भी तलाश कर रहे हैं। इसमें सिद्धार्थ नगर के हैं,